मैं फरीदा उस्मान छतरी वाला चैनल एक्स के हाथों हुए अपनी बदनामी और बेइज्जती न सह पाने के कारण आत्महत्या कर रही हूँ। मोहसिन मेरे भाई, अम्मी अब्बू से किया हुआ वादा मैं ना निभा सकी, तुझे इस बेरहम जमाने में अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। मैं उन चैनल वालों को नहीं छोड़ूंगा। आपा, मुझे आपकी कसम मोहसिन, मैं उन चैनल वालों को मार डालूंगा। मोहसिन, उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ए, क्या जा रहा है तू? नहीं भाई, छोड़ दो मुझे। मैं उन चैनल वालों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। क्या जा रहा है, मारने जा रहा है या मरने जा रहा है? क्या कर रहा है तू? होश है? सुन, मैं समझता हूँ तेरे जज्बात को, सब समझता हूँ, लेकिन ये चैनल वाले कोई आलतू फालतू लोग नहीं है कि किसी के भी ऊपर हाथ डाल दिया। और अपने सरकार भी यहाँ नहीं है, अपने आदमी भी नहीं है, इसलिए सब प्रकार समझा। हाँ, मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, बाबा खान को बोलकर हम इसका बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन बेटा, ये वक्त सब्र का है, गुस्से का नहीं। सब्र कर जा, सब्र कर। कसूर था मेरी बहन का? हाँ, वो तो नौकरी की खातिर इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तभी तुम्हारे भाई के किसी न्यूज रिपोर्टर ने उसका स्टिंग ऑपरेशन करके उसे वेश्या करार कर दिया। उसने आत्महत्या की, आत्महत्या की उसने। तभी मैंने कसम ली कि तुम्हारे भाई और उसके चैनल को उड़ा दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी हासिल की, तब मेरी नजर तुम पर पड़ी। तुम्हारे नजदीक आने के लिए तुम्हारे दोस्तों का सहारा लिया, फिर हमारी मुलाकात एक पार्टी में हुई। मैंने पहले तुम्हारा विश्वास जीता, फिर प्यार का इजहार किया। प्यार का नाटक खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे सचमुच प्यार हो गया। अब मैं मजबूर हूं, तुम सबको मरना पड़ेगा। नहीं। चुप! देशमुख साहब, इसके बड़े भाई आ गए, आप इनको संभालिए, मैं उन्हें देखता हूं। सबको मार डाला, सबको खत्म कर दिया। हॉस्टल के सब चुप चुप। Yeah.
हम दर्शकों को बता दें कि खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन बाबा खान और उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले मूसा का पर्दाफाश करने की मुहिम जो चैनल एक्स ने छेड़ी थी वो आज आखिरकार सफल हो गई। आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, चैनल एक्स को ये एक्सक्लूसिव क्लिपिंग मिली है और इस मुहिम में जीत भी मिली। चैनल एक्स पर जब देखो वही साला रंडी रोना, मेरा क्या हो रहा है, मैं किधर रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया दुबई किधर रहता हूँ, मेरे भाई लोग का क्या धंधा है, ये सब कब तक खत्म होगा, कब तक खत्म होगा, समझाओ अपनी भाषा में, समझा तू मैं क्या बोल रहा हूँ मूसा, तेरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में तू अपनी बहन को अपने धंधे को भूल तो नहीं गया, भूल गया मूसा क्या किया था चैनल एक्स वालों ने तेरी बहन के साथ, भाई ना मेरी बात सुन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं भूला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, नेहा से मैंने प्यार सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए किया है, अगर मैं चैनल एक्स के सीईओ का होने वाला दामाद नहीं होता तो इतनी आसानी से मैं चैनल एक्स के न्यूज वैन में अपना माल यहाँ से वहां नहीं कर पाता, भाईजान आप समझ रहे हैं ना। अच्छा चल ये बता तू चैनल एक्स वाले का एक्स वाई जेड कब करेगा। भाईजान मैं 2-3 हफ्तों में उनका फुल एंड फाइनल कर दूंगा। अच्छा फिरोज भाई और देशमुख भी मेरे साथ हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस रूम में 3 शख्स मौजूद हैं। पहला है अंडरवर्ल्ड का सरगना जिसे सभी भाईजान के नाम से जानते हैं, दूसरा है इंस्पेक्टर देशमुख। बड़े अफसोस की बात है कि अपने आप को कानून का रक्षक कहने वाले वर्दी खोर भी जुर्म की दुनिया से इस कदर जुड़े हुए हैं। लेकिन इस दृश्य में सबसे चौंकाने वाली बात है इस कमरे में इस तीसरे शख्स का पाए जाना। जी हाँ ये 23-24 साल का मासूम सा दिखने वाला लड़का दरअसल मूसा है। ये जो शख्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है मूसा उर्फ मोहसिन खान उर्फ रोहन। मूसा पिछले 4 साल से रोहन नाम से रहता आ रहा है, वही मूसा जो अंडरवर्ल्ड के बाबा खान का खास आदमी माना जाता है। ये शख्स काफी खतरनाक है, ध्यान से देखिए। उसका नाम मूसा और मोहसिन खान और बनते बनते बिगड़ी जाए जीवन की हर बात।